सम्राट पृथ्वीराज, नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, भारत का एक महान प्रतापी शासक जो अपने जान के कीमत के बदले दुश्मन को मुट्ठी भर जमीन भी नहीं दिया। 26 साल के उम्र में पृथ्वीराज चौहान जो है वीर गति को प्राप्त हो गए और साथ में चंद्रवरदाई, जिसका रोल जो है सोनू सूद कर रहे हैं, पृथ्वीराज चौहान का रोल जो है अक्षय कुमार कर रहे हैं, और अक्षय कुमार के दादाजी का रोल यानी पृथ्वीराज चौहान के दादाजी का रोल जो है, काका का रोल जो है संजय दत्त कर रहे हैं। चंद्रवरदाई भारत के पहले कवि थे जिन्हें कवि राज भी कहा जाता है, कवि गुरु भी कहा जाता है, और यही सब मुद्दों पे एक फिल्म जो है बनी हुई है सम्राट पृथ्वीराज। और अभी हम लोग सोनीपत के सेक्टर 14 में हैं और यहाँ पे मैक्स सिनेमा हॉल के मैनेजर साहब हैं। इस सिनेमा हॉल में कल जो है 101st day का फर्स्ट शो जो है वो फ्री में दिखाई जाएगी, और ये हमारे सभी भाई लोग हैं, इन लोगों से मैंने फ़ोन करके बोला कि हमें एक सिनेमा हॉल में फ्री में व्यवस्था चाहिए कुछ लोगों को ऐतिहासिक फिल्म दिखाने के लिए। तो ये मोहित भाई हैं, TIG के ओनर हैं, और इन्होंने ये व्यवस्था कराया यहाँ पे आके, और ये मैनेजर साहब मिले। सबसे पहले मैं ऐसे ऐसे मैनेजर को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इसके लिए तैयार हो गए। पृथ्वीराज फिल्म जो है आपके सिनेमा हॉल में लगी हुई है, बिल्कुल ठीक है, कल से लगने वाली है, सॉरी 10 बजे से, और आपने पहला शो का पूरा टिकट हम लोगों को दिया है, बिल्कुल। हाँ, डर नहीं लगा कि आएंगे ये लोग तो हुड़दंग उड़दंग मचाएंगे ऐसा कुछ? इसमें तो कोई भी हो, ये तो इसमें डरने की तो कोई बात नहीं है, ये हिस्टोरिकल है और इस मूवी को हमें तो और प्रमोट करना चाहिए। जितना ज्यादा से ज्यादा प्रमोट हम करेंगे उतना ही हमारे लिए भी अच्छा है, हमारी हिस्ट्री के लिए अच्छा है, ये हमारी हिस्ट्री में है और हमें करना चाहिए। विदेश में अनेकों फिल्म जैसे ट्रॉय हुआ, हरक्यूलस हुआ, स्पार्टन हुआ, ऐसे अनेकों फिल्म जो है मेगा स्टार के साथ बड़े बजट का बना है हॉलीवुड में और सारे फिल्म हिट हुए, लेकिन बॉलीवुड में कभी भी ऐतिहासिक फिल्म जो है बड़े बजट का नहीं बनता है क्योंकि फ्लॉप होने के चांसेस ज़्यादातर रहते हैं। तो इस प्रकार का अगर ऐतिहासिक फिल्म बड़े बजट का बने तो अगर हिट होगा वो फिल्म तो भविष्य में भी बहुत सारा ऐतिहासिक फिल्म बनेगा, बनेंगे और भी बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, और हर डायरेक्टर ये बनाना कोशिश करेगा इस चीज को लोगों के बीच में लाने की कोशिश करेगा। अच्छा मोहित जी, ये फिल्म जो है लोगों को देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? मैं तो कहूंगा कि हर भारतवासी को ये फिल्म एक बार थिएटर में जाकर के देखनी चाहिए, सभी से मेरा पर्सनल निवेदन है, और इसी के चलते हमने इसकी पूरी की पूरी सीटों को हमने बुक करवाया है कि भाई आपसे मिल करके कि भाई हम खासकर जो जिंदगी में सफल होना चाहते हैं उन्हें तो देखना चाहिए, चूंकि इस फिल्म में बहुत सारी ऐसी कहानी है, बहुत सारा ऐसा सीख है जो हमें मिलता है। दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, दुश्मन जो है लगातार प्रयास किया, मोहम्मद गोरी जो है 16 बार 17 बार कितना बार चढ़ाई किया उसके बाद से, तो ये सब चीजें जो है हमें सीखना चाहिए। उसके अलावा जो है दुश्मन को पृथ्वीराज हमेशा कमजोर समझते थे और उन्होंने यही गलती कर दिया, ये गलती नहीं करना चाहिए था। मोहम्मद गोरी को पहले ही बार में जो पृथ्वीराज ने हराया था उसी समय मार देना चाहिए था, सही है कि नहीं? सर कलम कर देना चाहिए था उसको, उसी टाइम पहली बार में ही सर कलम करना चाहिए। बाकी अगर सोनीपत के आसपास के जितने भी लोग हैं, ये मैक्स सिनेमा हॉल है, मल्टीप्लेक्स है, 3 स्क्रीन है यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। इस फिल्म को पहले दिन का पहला शो जो है हम लोगों ने फ्री कराया, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन सीट की संख्या जो है कितनी है? 211 सीटें की कैपेसिटी है। देखिए 211 ही है तो हम लोग 211 ही लोगों को दिखा सकते हैं, 212 होंगे, 213 होंगे तो चलेगा, लेकिन 215 से ऊपर हो जाएंगे तो दिक्कत है। सब टाइम से आए, 9:30 बजे पहुंच जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास फोन आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं, 5 लोगों की टिकट बुक कर दीजिए, 10 लोगों की टिकट बुक कर दीजिए। मैं कहा ठीक है सभी लोग आ जाओ, जितने भी लोग पहले आएंगे सब एंट्री करके हम अंदर बिठा देंगे, बाद वालों के लिए क्षमा चाहता हूँ आज जोड़ करके, बाद वाले लोग जो है फिर वो दूसरा शो देख सकते हैं, लेकिन अपने जेब से देखना जरूर इस मूवी को, बहुत शानदार मूवी होने वाली है ये। और साथ में मिस्टर अक्षय कुमार जी से भी हम लोग विनती करना चाहते हैं कि पृथ्वीराज पे आपने बहुत अच्छा फिल्म बनाया है, कम से कम बीमल जैसे चीजों का प्रचार आप ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है। और ये फिल्म का टिकट जो है सोनू सूद के जो फैंस हैं, जो हम लोग जो है फैंस हैं, उन लोगों के द्वारा जो है फ्री का व्यवस्था कराया गया है, क्योंकि इन्होंने कोरोना में इस देश के लिए बहुत कुछ किया है, तो
जब इनकी फिल्में आई तो हमारा भी फर्ज बनता है चढ़ के, जैसा इन्होंने दुनिया का साथ दिया ना, अब समय है हमारा इनका साथ देने का। अब सब खड़े हो जाओ और सभी को ये मूवी जरूर देखनी है, एक बार जाकर के देखो, बहुत जबरदस्त, ये रियल हीरो हैं, सच में ये सच्चे हीरो हैं। इसलिए हमने भी इनकी तरफ से जितना हो सकेगा सबको प्रमोट करेंगे, स्टेटस लगाएंगे और सबको एक बार जरूर बोलेंगे जाकर के इस मूवी को देखो। बाकी हमारा ये प्रयास सोनीपत के सेक्टर 14 के मैक्स सिनेमा हॉल से कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।